सो ही देयर एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल, जहां पर आज हम बात करने जा रहे हैं एश के ड्रैकोविच की कंप्लीट बैक स्टोरी के बारे में। वेल, जनरेशन 8 का ये पोकेमॉन एश का पहला फॉसिल पोकेमॉन है, जो कि रीसेंट टाइम में फैंस के बीच में काफी पॉपुलर होता जा रहा है। तो एश के ड्रैकोविच की कंप्लीट बैक स्टोरी को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, प्लस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड नाउ लेट्स बिगिन। सो अब एश ने इस पोकेमॉन को सबसे पहले एनकाउंटर किया था जर्नीस के एपिसोड नंबर 50 अ पिंच ऑफ दिस अ पिंच ऑफ दैट में, जहां पर वो क्लोई और गो के साथ गलार रीजन के एक वाइल्ड एरिया में गया था कुछ फॉसिल्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वेलिस एरिया में पहुंचते ही एश, गो और क्लोई ने फॉसिल्स को फाइंड करने में मदद की, जिसके बाद रिसर्चर कारा और ब्रायन ने रिस्टोर किया ड्रैकोविश और राक्टोजोल्ड को। पर फिर जब एश ने इस न्यूली रिस्टोर ड्रैकोविश को ग्रीट करने की कोशिश की, तब पहले तो इसने एश को बाइट करने का ट्राई किया और फिर उसे सीधा चेस करना स्टार्ट कर दिया, और फिर समहाउ इससे थोड़ा दूर भागने के बाद एश ने इसे रोकने के लिए पिकाचू को इस पर इलेक्ट्रोवेब यूज करने के लिए कहा, बट इस पोकेमॉन ने उसे सीधा कट कर दिया और एक्सीडेंटली अटैक कर दिया आर्क्टोजोल्ड पर, जिससे आर्क्टोजोल्ड ने अपना टेम्पर खो दिया और फिर गुस्से में आकर उसने क्रिएट कर दिया काइसविल को, जिसके ऊपर एश, पिकाचू और ड्रैकोविश फिसल गए और फिर समहाउ एश पहुंच गए इस पोकेमॉन के ऊपर, जिसके बाद इस ड्रैकोविश ने सीधा रन करना स्टार्ट कर दिया एक पॉन्ड की तरफ। एंड यहीं पर एश ने रियलाइज किया कि ये पोकेमॉन बस एक स्विम के लिए जाना चाहता था। वेल, इस स्विम के बाद जब एश इस पोकेमॉन के साथ वापस उस एरिया में आया, तब रिसर्चर्स ने एश और गो को ये बताया कि उनकी स्टडी इन पोकेमॉन्स पर कंप्लीट हो चुकी है। एंड सो एश और गो ने यह डिसाइड किया कि वो इन पोकेमॉन्स को कैप्चर करेंगे, जिसके बाद गो ने कैप्चर किया आर्क्टोजोल्ड को और वही एश ने चूज किया ड्रैकोविश को। वेल, अब इसके कैप्चर के बाद एश ने इस पोकेमॉन को पर्टिकुलरली बैटल्स में तो ज्यादा यूज नहीं किया था, बट इंस्टेड ये पोकेमॉन हमें बस छोटे मोटे रोज में देखने मिला था, जैसे कि पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड नंबर 63 ऑन लैंड इन द सी एंड टू द फ्यूचर में इसने एश को मदद की थी किड्स मरीन एथलीट को जीतने में, और साथ ही साथ इसने क्लोई को सेव कर एक नया मूव फिशियस रेन भी सीखा था। पर फिर फाइनली इस पोकेमॉन की बैटलिंग स्किल्स हमें देखने मिली जर्नीज के एपिसोड नंबर 65 थ्रैश ऑफ द टाइटंस में, जहां पर एश ने ड्रैकोविश को सीधा यूज किया था आयरिस के ड्रैगनाइट के अगेंस्ट। वेल, इस बैटल में ऐसा जरूर लग रहा था कि ड्रैकोविश ड्रैगनाइट को डिफीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आयरिस का ड्रैगनाइट सच में काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, बट समहाउ ड्रैकोविश ने इस पोकेमॉन को कैच कर लिया अपने माउथ के बीच और फिर यूज किया फिशियस रेंड का, जिससे इन दी एंड एक क्लोज रेंज आइस फैंग की मदद से इस पोकेमॉन ने डिफीट कर दिया आयरिस के ड्रैगनाइट को, जो कि इस पोकेमॉन की पहली और एक काफी इम्पोर्टेंट विन थी। बट अपने ड्रैगनाइट को लूज करने के बाद आयरिस ने सेंड किया उसके हेक्सरस को, जिसने ड्रैकोविश के साथ कुछ ब्लोस को एक्सचेंज किया और फिर उसे क्विकली डिफीट कर दिया ड्रैगन पल्स और साइको कट के एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन से, जिसके बाद इस पोकेमॉन को एश ने सीधा यूज किया जर्नीज के एपिसोड नंबर 103 के एक डबल्स बैटल में क्लेमोंट के अगेंस्ट लुमियस जिम में, जहां पर सरप्राइजिंगली लैक ऑफ ट्रेनिंग के बाद भी ड्रैकोविश और सरफेज के डुओ ने काफी ब्रिलियंट परफॉर्म किया, और इस शॉर्ट एंड सिंपल बैटल में सरफेज के एक्शंस को मिमिक कर ड्रैकोविश ने एक नया मूव ड्रैगन रश भी सीख लिया, जिसने इसे मदद की डिगर्सबी को डिफीट करने में। और फिर इस बिग एंड अमेजिंग विन के बाद एश ने इस पोकेमॉन को फिर से यूज किया जर्नीज के एपिसोड नंबर 104 में उसके सेकंड पोकेमॉन की तरह ड्रासना के अगेंस्ट कैलोस लीग स्टेडियम में। वेल, एट फर्स्ट ड्रैकोविश ने फेस किया ड्रासना के नॉयवर्न को, जिसके पास विंग्स होने की वजह से इसके पास एक एरियल एडवांटेज था, और ड्रासना ने भी इसे काफी अच्छी तरह से यूज किया, बिकॉज नॉयवन के एक सुपर फैंग से इसने ड्रैकोविश के स्टैमिना को हाफ कर दिया, बट इसके बाद भी ड्रैकोविश ने काइस फैंग का यूज करके नॉयवन को काफी डैमेज दिया, जिसे ड्रासना ने भी जल्दी ही रिकॉग्नाइज किया और इसे क्विकली स्विच कर लिया अल्टेरिया से। एंड जस्ट टू मेक थिंग्स अ लिटिल बिट मोर इंटरेस्टिंग, ड्रासना ने अल्टेरिया को मेगा इवॉल्व भी कर दिया, एंड ऑल्दो अगेन मेगा अल्टेरिया के पास भी एरियल एडवांटेज था, बट एश ने इस बार इसे हटाने के लिए एक अमेजिंग स्ट्रेटेजी का यूज किया, जहां पर उसने पहले तो अल्टेरिया के विंग्स को पूरी तरह से भिगा दिया वाटर गन की मदद से, बट वो ये भूल गया कि मेगा इवॉल्व होने के बाद अल्टेरिया पार्ट फेरी टाइप बन जाती है, एंड सो ड्रैकोविश के ड्रैगन रश का उसके ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ, जिसके बाद एश ने इस पोकेमॉन को रिकॉल करके सेंड किया सरफेज को, जो कि खुद तो हारा ही बट उसने मेगा अल्टेरिया को भी डाउन कर दिया, जिसके बाद ड्रासना और एश दोनों को सेंड करना पड़ा उनके लास्ट पोकेमॉन नॉयवर्न और ड्रैकोविश को, और इस बार सरफेज के थोड़े से मोटिवेशन और खुद के इंड्योरेंस की मदद से ड्रैकोविश ने समहाउ मैनेज करके डिफीट कर दिया नॉयवर्न को, जिससे फाइनली एश ड्रासना के अगेंस्ट इस बैटल को जीत पाया। और इस ग्रेट बैटल और विक्ट्री के जस्ट एक एपिसोड लेटर, यानी कि एपिसोड नंबर 105 में एश ने इस पोकेमॉन को यूज किया था लेलिकोव सिटी में वॉलेंस के वॉलरन के अगेंस्ट,
बट अनफॉर्चुनेटली इस बैटल का रिजल्ट तो हमें नहीं पता चला, जिसके बाद जर्नीज के एपिसोड नंबर 114 में हमने इस पोकेमॉन को देखा था पैलेट टाउन में एश के बाकी पोकेमॉन्स के साथ ट्रेनिंग करते हुए, जिसके बाद फाइनली इस पोकेमॉन को फिर से शाइन करने का मौका मिला जर्नीज के एपिसोड नंबर 118 में, जहां पर इसने फेस किया स्टीवन स्टोन के शाइनी मेटाग्रोस को। वेल, कुछ ब्लोस को एक्सचेंज करने के बाद ड्रैकोविश ने यूज किया था इसके फिशियस रेंड का, और इसकी स्ट्रॉन्ग जॉ एबिलिटी की मदद से इसने काफी ज्यादा डैमेज दिया था मेटाग्रोस को, जिसे स्टीवन ने क्विकली रियलाइज किया और मेटाग्रोस को जल्दी से स्विच कर लिया एग्रॉन से। एंड इट टर्नड आउट कि स्टीवन का एग्रॉन एक्चुअली एक बीस्ट है, जिसने ड्रैकोविश के पावरफुल ड्रैगन रश के बाद भी उसके हाई डिफेंस की मदद से डिफीट कर दिया था ड्रैकोविश को हैवी स्लैम से। वेल, इस अमेजिंग बैटल के बाद फाइनली जर्नीज के एपिसोड नंबर 123 में एश ने फेस किया सिंथिया को मास्टर्स टूर्नामेंट की सेमीफाइनल बैटल्स में, और बस पहले ही एपिसोड में सिंथिया ने डाउन कर दिया इस सीरीज में एश के तीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन यानी कि ड्रैगनाइट, गेंगार और पिकाजू को, जिससे पूरा फोकस आ गया इस सीरीज में एश की सेकेंड हाफ ऑफ द टीम यानी कि ड्रैकोविश, सरफेच और लुकारियो पर। और विदाउट ए डाउट जर्नीज के एपिसोड नंबर 124 में ड्रैकोविश और सरफेच दोनों ने ही काफी ब्रिलियंट परफॉर्म किया, जहां पर पहले तो एश ने ड्रैकोविश को यूज किया उसके फोर्थ पोकेमॉन की तरह सिंथिया के गार्चोम्प के अगेंस्ट, और बस कुछ अटैक्स को एक्सचेंज करने के बाद सिंथिया ने ये रियलाइज किया कि गार्चोम्प यहां पर सही पोकेमॉन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से उसने उसे क्विकली स्विच कर लिया रोजरेड से। और बैटल में आते ही इस रोजरेड ने एक काफी क्लीन पॉइजन जैब से सीधा पॉइजन कर दिया ड्रैकोविश को, बट पॉइजन होने के बाद भी ड्रैकोविश ने गिव अप नहीं किया और इवेंचुअली डिफीट कर दिया रोजरेड को, जिसके बाद एश ने इस पोकेमॉन को रेस्ट करने के लिए वापस बुलाने की कोशिश की, बट ड्रैकोविश ने इसे सीधा रिफ्यूज कर दिया, जिसके बाद सिंथिया ने सेंड किया उसके माइलोटिक को, एंड जस्ट लाइक रोजरेड माइलोटिक ने भी ड्रैकोविश को काफी टफ टाइम दिया, पर लास्ट बैटल की टायर्डनेस और पॉइजन के बाद भी ड्रैकोविश ने काफी हैवी डैमेज डील किया माइलोटिक को, बट इन दी एंड माइलोटिक ने इसे ओवरपावर करके डिफीट कर दिया। एंड सो फार इस सीरीज में यही एश के ड्रैकोविश की लास्ट बैटल रही है। वेल, जिस तरह से जर्नीज के एपिसोड नंबर 124 में ड्रैकोविश और सरफेच डाउन हुआ है, आई एम क्वाइट श्योर कि लियोन के अगेंस्ट बैटल में इन दोनों पोकेमॉन्स को शाइन करने का मौका जरूर मिलेगा। बट फॉर द टाइम बीइंग, आई होप आपको एश के ड्रैकोविश की ये कंप्लीट बैक स्टोरी पसंद आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और एश के बाकी पोकेमॉन्स की बैक स्टोरी को जानने के लिए सुपर वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।